फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे गोडाउन की वायरिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, गोडाउन की वायरिंग कैसे काम करती है मैं आपको सबसे पहले ही समझा देता हूँ। जैसे ही हम इस बटन के पास हैं तो इसको हम ऑन करेंगे तो हमारे पास एक लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम आगे जाएंगे और इस बटन को ऑन करेंगे तो पीछे की लाइट ऑफ हो जाएगी और आगे की लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम इस बटन के पास पहुंचेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगी, और ये इसके पास पहुंचेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी और ये ऑन हो जाएगी। इस तरह से आप आगे आगे कैसे कितने भी इसके अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको चार स्विच के साथ चार होल्डर बल्ब कंट्रोल करके दिखाने वाला हूँ, जिसको हम गोडाउन की वायरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें एक स्विच तो ले रहे हैं हम, वन वे स्विच, ठीक है। इसके पीछे टू टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल, ठीक है, आगे से कुछ इस तरह से होता है। और इसके अंदर हम तीन स्विच ले रहे हैं, टू वे स्विच। तो आप ये देख सकते हैं, टू वे स्विच, पीछे तीन टर्मिनल हैं, एक दो तीन, बीच का कॉमन है, और आगे से हम कुछ इस तरह से पहचान कर सकते हैं इसकी। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे चार होल्डर हैं। होल्डर के कनेक्शन आप किस तरह से करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक ही होल्डर है, ठीक है, इसके अंदर हमने वायर जोड़ रखी है, देख सकते हैं आप। ये होल्डर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक एक के अंदर फेज जाता है और एक के न्यूट्रल अंदर, ठीक है। तो हमने इन सभी होल्डरों के अंदर ऐसी एक तो ब्लैक वायर जोड़ रखी है, आप ये देख सकते हैं, एक ब्लैक वायर जोड़ दी और एक रेड कलर की। ब्लैक वायर में न्यूट्रल जाएगा और जो रेड की है इसके अंदर हम फेज वायर भेजेंगे इन स्विच के थ्रू। तो हमने ये पहले से ही कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि होल्डर की वायरिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो हमने ये पहले से कर लिया है। तो हम स्विच की वायरिंग करते हैं अभी। स्विच की वायरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, इस वायर को हम वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ गया है। अभी क्या करेंगे, इसका जो टर्मिनल का, यहाँ से हम दूसरे वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट तक हम इसको मेजरमेंट करके नाप के इसको कट कर लेंगे वायर को, और इसके बीच वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे जुड़ गया है। अभी हमें दूसरी वायर लेनी है, इसी वायर को हम आगे से छील लेंगे और इस वायर को हम इसके दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ गया है। अभी क्या करेंगे, इस वायर को हम, जो ये तीसरा स्विच है हमारा, तीसरा नंबर स्विच है, इसके बीच वाले पॉइंट पे जोड़ना है इसको। यहाँ तक इसको हम कट करके तीसरे बीच वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ गया है बीच वाले टर्मिनल पे। अभी हम एक वायर और लेंगे, इस वायर को छील के इस तरह से, और इसके नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे, तीसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये जुड़ गया यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, इस वायर को हम, जो हमारा चौथा स्विच है, इसके बीच वाले पॉइंट पे इसको जोड़ेंगे वायर को। तो यहाँ से इसको मेजरमेंट करके यहाँ तक कट करके इसको जोड़, तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी चारों स्विच की, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे, चारों स्विच के अंदर एक एक वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये होल्डर हैं, होल्डर के अंदर एक एक जो वायर निकली हुई है, जो पहला होल्डर है इस वायर की, जो इसका जो एक वायर निकला हुआ है रेड कलर का, फेज वायर निकला हुआ है, इसको हम छील के पहले वाले जो दूसरे नंबर स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे कुछ इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ गया है पहले वाला होल्डर का ये वायर। अभी जो दूसरा होल्डर का ये रेड कलर का वायर बचा है, इस होल्डर की वायर को हम इस तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ दें, तो फ्रेंड्स ये दूसरे होल्डर का भी इस तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जुड़ गया है। अभी जो तीसरा स्विच है फ्रेंड्स, तीसरा होल्डर है, उसका वायर जो रेड कलर का वायर है, फेज वायर है, इसको हम छील के जो लास्ट का हमारा स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ दें, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे जुड़ गया है। अभी फ्रेंड्स, लास्ट हमारा ये चार नंबर का बल्ब बचता है, होल्डर बचता है, इसकी वायर को जो हम छील के जो लास्ट का स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट पे हम जोड़ दें, ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी जुड़ गया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से
ड्रेसिंग कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इनको हमने अच्छे से ड्रेस कर लिया है, अभी इसके अंदर मेन इनकमिंग फेज आएगा। फ्रेंड्स फेज कहाँ पे देना है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हम एक रेड कलर की वायर ले, इसको हम जो वन वे स्विच है हमारा, वन वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। जो हमारे पास ये वन वे स्विच है इसके नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर हम फेज देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से जो ये न्यूट्रल हमने सबके अंदर कॉमन वायर कर रखा है, यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से ये रेड कलर वाली से फेज कनेक्ट कर देंगे। तो फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये चार बल्ब हैं, इनको हम यहाँ पे इसके अंदर लगा लेते हैं अच्छे से, ताकि ये हम आपको ट्रायल करके इनके बल्ब के ऊपर दिखा सकें। तो हम चारों को इनके अंदर लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये चार बल्ब लगा लिए हैं और ये चार स्विचेस हो गए हमारे, ठीक है। अभी हम इसके अंदर सप्लाई दे देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने पीछे से इसको ऑन कर दिया है, सप्लाई को ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम जैसे ही इस स्विच के पास पहुंचेंगे तो हम इसको दबाएंगे तो हमारे पास ये लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे हम इस स्विच के पास पहुंचेंगे तो पहले वाली लाइट ऑफ हो गई है और ये ऑन हो गई है, और इस स्विच के पास पहुंचेंगे तो ये ऑन हो गई है और ये ऑफ हो गई है। अब लास्ट वाले के पास पहुँचते हैं तो ये ऑफ हो गई और ये ऑन हो गई है। तो इस तरह से आप गोडाउन की वायरिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये सीधा करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट एक एक वायरिंग आपको दिख रही होगी। तो हम सबसे पहले हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास ये लाइट ऑन हो जाएगी, फिर ये दबाएंगे तो ये ऑफ ये ऑन हो जाएगी, इसको दबाएंगे तो ये ऑफ ये ऑन हो जाएगी, इसको दबाएंगे तो ये ऑन और ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और वापस जाएंगे तो इसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको दबाएंगे तो ये हो, इसको दबाएंगे तो ये, और लास्ट में हम जा सकते हैं यहाँ से उसको बिल्कुल प्रॉपरली ऑफ करके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।